दिन वेट करने के बाद जो प्लान हुआ था बीच बीच में, मैं हर एक ब्लॉग में बोल रहा था कि इधर का तो लंबा टूर है, कुछ तो स्पेशल होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। आज वो दिन आ चुका है। आज का डेट है 11 नवंबर 2021, रात के बज रहे हैं 9:10 और मैं निकल रहा हूँ किसी बड़े जगह पर जाने के लिए। जगह मैं अभी बोलूँगा नहीं, अभी से कुछ तो शायद 5-6 ब्लॉग हिंदी में आएंगे, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हिंदी में आने के लिए मराठी में नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे अभी मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स गेन करने हैं, तो उसके लिए हिंदी में ब्लॉग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अभी अकेला नहीं, मेरे साथ तेजस भी है। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको ब्लॉग में जो 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 भी कुछ होगा सब सब कुछ सब हर एक चीज़ बताते रहूँगा। एनीवेज गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। देखते रहो, अभी अपना मराठी डायलॉग तो ऑब्वियसली उसमें फिट होगा नहीं, अपने को थोड़ा हिंदी डायलॉग डालना पड़ेगा, बीच बीच में कुछ ना कुछ बकचोदी करना ही पड़ेगा। पहले नीचे उतर दो, थोड़ा सा काम है, वो फटाक से करके वापस आपको मिलता हूँ मैं। दोस्तों बज रहे रात के 9:08 और संकल्प मुझे पिकअप करने जस्ट एरिया में आया था, और हम लोग अभी इसको पिकअप करना, सनी को पहले। एक मिनट, वो आके खड़ा है ना वापस, ऐसा अल्टू पल्टा क्यों करने गया वो? ठीक है, तो अभी 9:08 हो गए और संकल्प मुझे पिकअप करने आया था एरिया में। मैं अभी कार में बैठा हूँ, बैग अपना सब डिक्की में डाल दिया है। अभी तेजस को पिकअप करेंगे, उसके बाद सनी को पिकअप करना है, क्योंकि उसको सी ऑफ करने हम लोग को आने का है ठाणे स्टेशन तक। फिर उधर उतर के तेजस और मैं ठाणे स्टेशन जाएंगे, उधर से हम लोग का 9:45 का ट्रेन है, इसलिए हम लोग एकदम आराम से जा रहे हैं। प्रिंट अभी तक हम लोग ने किया नहीं, संकल्प मुझे मालूम था संकल्प ने प्रिंट नहीं किया रहेगा, अभी हम लोग को प्रिंट भी करने के टिकट्स, बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, हर टाइम ऐसा होते ही रहता है, चलता है, बट कोई इशू नहीं है। तो वैसे बैग अपना एकदम अच्छी तरीके से पैक हो चुका है। बैग मैंने सनी से उधार लिया था, क्योंकि वो बेस्ट बैग है। लाइक मुझे मतलब मेरा जो बैग है उसमें सब क्लोथ्स मेरा फिट नहीं आते, सब मेरा सामान फिट नहीं आता, तो मैंने ये सोचा था कि शायद मुझे एक और बैग करना पड़ेगा। तो मैं सनी को पूछा, तेरे पास कोई बड़ा बैग है क्या? तो उसके पास 65 लीटर्स का बैग एक था, तो उसका मैंने बैग लिया था कि एक ही बैग में सब फिट हो जाए, ताकि कंधे पे जो भी रहेगा चलेगा, हाथ एकदम बोलते ना खाली होना चाहिए, लाइक कुछ भी काम आ जाए टेंशन नहीं होना चाहिए, लाइक व्लॉगिंग करते टाइम भी दोनों हाथ खाली रहे, बात करते टाइम भी मजा आता है, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, कुछ भी मस्ती करने का है, बकचोदी करने का, बकचोदी तो हम लोग को अनलिमिटेड करने का है। वो सबको पिकअप करके हो गया है, पीछे सनी बैठा है, ये बीच में तेजस और ये अपना टैटू आर्टिस्ट अभिषेक, दोनों भी ये सी ऑफ करने आ रहे हैं। तेजस और मैं जा रहे हैं फाइनली, कितने दिन से हम लोग ऐसा काउंट कर रहे थे, काउंट डाउन हो रहा था कि आज एक दिन बचा है, दो दिन बचा है, तीन दिन बचा है, और अभी 15 मिनट बचे हैं, बीसी जाने का है। कितना बजे देखो, 9:30 हुआ है, 9:45 का ट्रेन है, अभी तक हम लोग मुलुंड में ही है। मतलब 5 मिनट पहले ट्रेन रह जाता, हम लोग घर से निकल, नहीं एज यूजुअल हर टाइम की तरह हम लोग का आदत अनुशासन प्रतिष्ठान है कि हम लोग को हमेशा लेट ही होना रहता है। लाइक 9 बजे घर से निकल के भी अभी भी हम लोग 15 मिनट्स लाइक एकदम कट टू कट जा रहे हैं, मतलब अगर गलती से ट्रैफिक मिला तो बात खत्म है। लाइक दूसरा एक तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब अपना चिपलून का टूर है कि ऐसा भी नहीं कि अपना चिपलून का टूर है कि लाइक एक ट्रेन छूट गया तो पीछे का ट्रेन मतलब पकड़ सकते हैं, ये ट्रेन छूट गया तो दूसरा ट्रेन पकड़ ही नहीं सकते, कुछ ऑप्शन ही नहीं है उन लोगों के पास, कैंसल सीधा कैंसल हो जाएगा, कैसा देखना पड़ेगा, कैसा गया, कैसा गया, ऐसे जा रहे थे, ओ बहुत सही है, इसमें टिकट है, ये देख रहे सीट, ये देख रहे सीट जा रहे हैं। संकल्प है अगर ट्रेन छूटा भी तो अगले स्टेशन कल्याण तक वो हम लोग को पहुंचा के पहले पूछा सकता है, इतना गारंटी है, इतना गारंटी हम लोग को भी, राइट से ले नजदीक पड़ेगा वो। चलो गाइस बाय बाय, सबका जवा जय संकल्प, बाय बाय, चलो चलो, ट्रेन ऑलरेडी टाइम पे है, हम लोग बहुत लेट है ऑलरेडी, ठाणे स्टेशन में भी पहुंच गए एज यूजुअल, कभी हम लोग टाइम पे आते नहीं है, ये सब बोलो शायद चली गई, चांस ही नहीं है, क्योंकि दादर से ऑलरेडी 6 मिनट्स लेट थी 9:45 को, इंडियन रेलवे जितना टाइम पे कभी नहीं आती, हमेशा उसको लेट थोड़ा तो होना ही है। एनीवेज वो कैसा भाग रहा है देखो, ट्रेन पकड़ चुके हम लोग S3 कोच में,
कोई मोबाइल ना मार ले, नहीं कोई मोबाइल ना मार ले ना भाई हाथ से। हाँ, S3 कोच में फाइनली बैठ चुके, मतलब चढ़ चुके हैं अभी। सीट हमारा विंडो सीट नहीं है, इधर का लाइक ये एक सीट है, ये एक सीट है, ऊपर नीचे होने वाला है, हेलो मिडल और अपर है। तो जर्नी विल बी द वर्स्ट, बट ठीक है, देख लेंगे ज्यादा टाइम। तो हम लोग इधर 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 ही हम लोग इधर रहने वाले वापिस आप खैपी जैसा स्टाइल प्रॉपर से लाना चाहिए, इधर ही रहने वाले हम लोग। तो अभी थोड़ा पहले तो चिल करते हैं क्योंकि बहुत भाग भाग के हम लोग आए इधर अभी, लाइक ट्रेन मतलब हम लोग ऐसा ब्रिज से उतरे, मतलब इंजन से, इंजन से सेकंड, इंजन से सेकंड कोच पे थे हम लोग, पीछे वाले से सेकंड और अभी हम लोग पीछे वाले से सेकंड कोच में थे। मतलब इतना ट्रेन हम लोग चल के आए, वो कभी जब स्टेशन पे सॉरी स्टेशन पे ट्रेन लग रहा है ऐसे जा रहा है और हम लोग भाग रहे हैं। हमको मालूम है हमारा नंबर पीछे से दूसरा है, हम लोग के सामने से इंजन रुका, हमें बोला चलो भागो, दूसरा कुछ काम नहीं अभी। तो भाग भाग के हम लोग अभी फाइनली डोर पे चढ़े या कोच में चढ़े। अभी पहले तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है, पहले ट्रेन छूट चुकी है। कितना बज रहा है अभी, देख इट्स 9:55 और टेम्परेचर इज ओके ओके, गर्मी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठंडा भी ज्यादा नहीं है, तो उतना चल सकते हैं। बट अभी एक बार मुंबई छोड़ने के बाद, लाइक शायद महाराष्ट्र छोड़ने के बाद ठंडी लग सकती है। महाराष्ट्र छोड़ने में तो अपने को शायद कल दोपहर या फिर इवनिंग में छोड़ेंगे, तो डे टू डे मतलब टाइम टू टाइम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग पानी पीते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेट्स सी जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और बकचोदी तो करता ही रहना है। जर्नी शुरू हुआ नहीं कि इसका खाना चालू हो गया। अभी देखो क्लाइमेट मतलब वेदर जो है 23 डिग्री सेल्सियस है और बज रहे रात के इधर गए 11:13 अप्रोक्स एक घंटा हो भी गया, एक घंटा हो गया, एक भी नहीं डेढ़ घंटा हो गया क्योंकि 9:45 आगे करने के क्या, मतलब कल का 24 आवर्स पूरा बाकी है, टोटल तो 37 आवर्स है, बट सीन ऐसे है कि अभी रात का टाइम, ऊपर से कल का 24 आवर्स पूरा। परसों 13 को सुबह हम लोग हावड़ा स्टेशन पे पहुंचेंगे, उधर से भी और ट्रैवल करके और थोड़ा जाना है, मतलब ट्रैवलिंग हमारे नसीब में भर भर के डाला हुआ है। एनी हाउ अभी तो हम लोग दोनों ऊपर बैठे क्योंकि डोर पे बैठने के लिए भी बोर हो रहा था, नीचे हम लोग का विंडो सीट तो है नहीं, हम लोग का ये ऊपर वाला सीट है ये वाला और इसके नीचे वाला मिडल वाला, तो सोचा अभी सोने का तो है नहीं तो थोड़ा ऊपर बैठ के टाइम पास करेंगे। ढिंडोरा आया है, थोड़ा प्रमोशन भी कर देते, वैसी प्रमोशन की तो जरूरत है। ढिंडोरा आया है तो आपने देखा नहीं होगा तो आप भी देख लो एक बार, अभी वही हम लोग देखेंगे थोड़ा मोबाइल पे, अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो अभी डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड होने के बाद वो देखेंगे तब तक इसका कैसा देख रहे हैं उसका तब तक खाना हो जाएगा और फिर हम लोग देख के मे बी म्यूजिक सुनेंगे या फिर कुछ टाइम पास क्या ही कर सकते हैं। तू सोच भी नहीं रहा है लाइक लेट्स सी जर्नी कैसा कटने वाला है, कुछ भी आइडिया नहीं है। 11:24 बज गया और हम लोग पहुंच गए अभी कसारा, जस्ट अभी पहुंचे। क्लाइमेट थोड़ा हल्का हल्का ठंडा ठंडा होने लगे, लाइक ठंडी तो नहीं लग रही बट गर्मी भी नहीं लग रही, थोड़ा लाइक कैसे बोल सकते हैं हम लोग, डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ दिन कैसा निकला ये सोच रहे हैं ठंडी वंडी बाद में। प्रोबेबली नासिक वगैरह छोड़ने के बाद थोड़ा सा क्लाइमेट और ठंडा हो सकता है, टेम्परेचर और नीचे गिर सकता है, बट एनी हाउ मजा तो आ रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा है एक्चुअली, बोर हो रहे हैं बहुत, बट चल ठीक। फाइनली अभी ये जो क्रॉसिंग अच्छा हाँ, अभी आगे इधर से आगे कसारा घाट लग गया, क्योंकि कसारा घाट पे ट्रेन, अरे हाँ बे ट्रेन रुकना ही है क्योंकि इधर ये जो ट्रेन इंजन है ना, अभी ये जो इंजन जा रहा है तो ये इंजन अभी लगेगा ट्रेन के पीछे लगेगा, क्योंकि अभी इधर से आगे है कसारा घाट, घाट चढ़ने के लिए इधर से पुश करेंगे तीन इंजन, समझ रहे हैं, और फिर आगे दो इंजन लगाएंगे जो उतर टाइम ब्रेकर का काम करेंगे। तो पहले क्यों आगे निकल गए, कौन आगे निकल गए भाई, तू ही बस बोल रहा है कब से, ब्रेक छोड़ा है। तो सिचुएशन ऐसा रहता है कि इसके आगे जो है सिचुएशन, ये सो क्यूट है कि अभी
कैसा रहता है कि आगे इसके आगे है कसारा घाट, कसारा घाट पे मतलब घाट पे ट्रेन चढ़ता है तो थोड़ा रिस्की रहता है एक ही इंजन से पुल पुश करना। तो इसके लिए अभी जो तीन इंजन गए वो पीछे जाएंगे, ये इंजन ये जो हम लोग का ट्रेन है उधर पे अटैच हो जाएंगे और फिर वो पुल पुश का काम करेंगे, लाइक ब्रेकिंग एंड हेल्पिंग का, ब्रेकर एंड हेल्पर का दोनों का काम करेंगे। लाइक अगर ऊपर चढ़ते टाइम ये पुश करेंगे और नीचे उतरते टाइम ये ब्रेकिंग का काम करेंगे, ताकि डायरेक्टली ट्रेन अगर आगे वाला इंजन फेल भी हो जाए तो पीछे का हेल्पर काम आता है हमेशा, और हमेशा वो कनेक्टेड रहता है हर एक उसका फंक्शन। कुछ इस तरह सिचुएशन है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, हमें इंटरेस्टिंग तो है नहीं, चले देखे। गाइस रात के कितने बज रहे हैं चेक कर जरा, मैंने घड़ी नहीं पहना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 2:26 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं 40 गांव। क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा है, लाइक जब भी नासिक हम लोग ने क्रॉस किया था तभी 17 डिग्री था और मनमाड़ के आसपास शायद से 18 डिग्री के आसपास रहेगा। अभी कितना गिर चुका है, 21 दिखा रहा है, बट जरा सा भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये 21 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि काफी ठंड है। मतलब नेटवर्क का इशू की वजह से वो लोड नहीं हो रहा है शायद से, बट 17-18 के आसपास तो है, मतलब ठंडा है क्लाइमेट बट इतना जितना तो नहीं है। हम लोग जितना मतलब कोकण में जब जाते हैं उतना तो ठंडा नहीं है, ये तो चिल पिल है, लाइक इतना तो चलता है। अभी ये थोड़ा गेटअप चेंज किया इसने भी, मैंने भी, एकदम थोड़ा मजे करेंगे रात को। हाँ नींद तो आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, probably we are thinking के 4 o'clock तक हम लोग सो जाएंगे शायद से, 3 or 4 तक। कैसा, हम लोग के पास 2 सीट है पूरा। हाँ मतलब सीन ऐसा बताता हूँ मैं, बांट दिया। हाँ मतलब एक्चुअली एक जन का मतलब वेटिंग था, उनको सीट नहीं था तो उनके उनका फैमिली भी था, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग दोनों ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उनको उधर जगह रहने की, एक सीट तो दे ही सकते, मतलब पूरा जर्नी खड़ा तो नहीं रह सकते दोनों भी, दोनों सीट नहीं रह सकते, एक सीट हम लोग ने रखा तो अल्टी पल्टी करके थोड़ा सोएंगे, ट्राई करेंगे। अभी वो सोने गया था बट नहीं नींद नहीं आ रहा उसको, नहीं हम आधे सीट पे हम लोग का बैग्स और सब, हाँ सब सामान अदर सीट पे, तो आधा ही सीट बचा, पूरा सोने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, सीट दो है लेकिन आधा ही है। होके भी ना होने जैसा है। कल सुबह तो क्या ही सोने वाले हैं हम लोग, बट हाँ इतना तो ट्राई करूंगा कि स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते टाइम ब्लॉग बनाऊं शायद, आई गेस गोंडिया के बाद स्टेट बॉर्डर क्रॉस होगा, गोंडिया के आगे भी एक दो स्टेशन है उसके बाद स्टेट बॉर्डर क्रॉस होगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि टंग 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 टंग